मैं हूं संसार और आप देख रहे हैं मेरे साथ आरटीआई इंडिया न्यूज। अगर इस खबर को आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर यही खबर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ये खबरें हम आप तक पहुंचा सकें। ये खबरें कोई मनुवादी मीडिया या गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उन्हें इन खबरों के साथ कोई मतलब नहीं है। ना तो इन खबरों से टीआरपी मिलने वाली है और ना ही एक मोटा विज्ञापन मिलने वाला है। अगर ये खबरें दिखा दी तो हो सकता है चैनल का लाइसेंस रद्द कर दिया जाए और चैनल को बंद कर दिया जाए। इसलिए ये खबरें सिर्फ आपको हम लोग दिखाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अभी पत्रकारिता थोड़ी बहुत जिंदा है, वेंटिलेटर पर है, लेकिन सांस ले रही है। हो सकता है कि इसकी जान बच जाए। वाइस चांसलर प्रॉक्टर रजिस्ट्रार के इशारे पे गुंडागर्दी करके हमें हमारे गंदे गंदे एक्शन किए, हमारे सामने मिडल फिंगर दिखाया है और इस तरीके से इतनी बुरे तरीके से हमारे साथ हाथापाई करी मेल पुलिस अफसरों ने, और ये हालत करके जो खाकी में थे खाकी में सब कलम कांप जाती है, जुबान हांप जाती है उस वक्त जब ये कहना हो कि रितु सिंह को इंसाफ दो। बेहोशी की हालत में भाई चंद्रशेखर आजाद भी, डॉक्टर रितु की हालत बहुत खराब हो रही है और जी हाँ, मनुवादी मीडिया की कलम कांपने लगती है और जुबान हांपने लगती है जब किसी दलित समुदाय की बच्ची को इंसाफ दिलवाने की खबर दिखानी हो। आप अंदाज़ा लगाइए कि पिछले 150 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं डॉक्टर रितु सिंह दिल्ली की सड़कों पर है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर वो लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। वो जिस मांग पर अड़ी हुई हैं वो मांग है इंसाफ। वो नौकरी नहीं मांग रही, वो इंसाफ मांग रही हैं। मनुवादी मीडिया या गोदी मीडिया ये कह सकता था कि दलित समाज की लड़की रोड पर बैठ करके नौकरी की मांग कर रही थी, इसलिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, इसलिए डॉक्टर रितु सिंह को डिटेन कर दिया, इसलिए डॉक्टर रितु सिंह को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया या उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया या उनके साथियों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। लेकिन खबर ऐसी बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर रितु सिंह नौकरी नहीं, न्याय मांग रही हैं। उनकी छवि को जिस तरीके से डॉक्टर सविता रॉय, जो कि प्रिंसिपल थी उस कॉलेज की जिस कॉलेज में डॉक्टर रितु सिंह अडॉक बेस पर जॉब कर रही थी, डॉक्टर रितु सिंह के करेक्टर पर उसने सवाल उठाए थे, उन्हें नालायक बताया था, वो अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाती, ये इल्ज़ाम लगाए थे। लेकिन ये सारे इल्ज़ाम बेबुनियाद साबित हुए थे, ये आप सब जानते हैं। लेकिन सवाल अब ये है कि सविता रॉय को पुलिस ने अरेस्ट क्यों नहीं किया, डॉक्टर रितु सिंह को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा। अब यहां पर जब हम ये कहें कि जातिवादी घटनाएं देश में बढ़ रही हैं तो आप लोग ये कहते हैं कि जातिवाद कहां है, तो मैं ये कहता हूं कि जातिवाद कहीं नहीं, जातिवाद दिल्ली की सड़कों पर देखा जा रहा है। डॉक्टर रितु सिंह को जिस तरीके से पुलिस आए दिन पीट रही है, ज़बरदस्ती उसे डिटेन कर लेती है, उनके साथियों को डिटेन कर लेती है, और किसके इशारे पर करती है, ये मैं नहीं, डॉक्टर रितु सिंह खुल करके कहती हैं कि ये सब कुछ आरएसएस के इशारे पर हो रहा है। डॉक्टर रितु सिंह ने 19 दिसंबर को ऐलान किया था कि बहुजन समाज दिल्ली में इकट्ठा होगा ताकि डॉक्टर रितु सिंह की आवाज़ शायद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनाई दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 19 तारीख को समाज की संख्या देखते ही पुलिस के हाथ पांव फूल गए, आरएसएस और बीजेपी को हाथों पैरों की पड़ गई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस बल का इस्तेमाल कर वहां पर पहुंचे लोगों पर लाठीचार्ज करने का प्रयास किया, वहां पर पहुंचे लोगों पर लाठीचार्ज किया और उन लोगों को डिटेन कर लिया, जिसमें मुख्य तौर पर डॉक्टर रितु सिंह और चंद्रशेखर रावण थे।
इन लोगों को पीटा गया, इन लोगों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, लेकिन ये बहुजन समाज की शेरनी है डॉक्टर रितु सिंह, ये डरने वाली नहीं है, ये अपनी जंग को ऐसे ही लड़ने वाली है। ये मोदी सरकार भी सुन ले, ये आरएसएस भी सुन ले, और ये यूनिवर्सिटी के वो लोग भी सुन लें जो रितु सिंह के धरने को ख़त्म करने में रात दिन एक कर रहे हैं। जिन लोगों ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरों को फाड़ दिया, कितनी नफरत रही होगी उन लोगों के दिलों में कि प्रदर्शन कर रही एक महिला के खिलाफ तो आप षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन देश के संविधान रचयिता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा और उनके फोटो तक को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। वास्तव में जंग तो यही है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के विचार और मनुवादी विचार आपस में टकरा रहे हैं। इस टकराव की तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ पर दो सोच हैं, एक सोच मानवतावादी है और एक सोच मानवता के अगेंस्ट है। अब आप ये सब जानते हैं कि मानवतावादी सोच कौन सी है और मानवता के अगेंस्ट कौन सी सोच है। मनुवादी सोच क्या करना चाहती है ये सब आप जानते हैं, लेकिन अम्बेडकर की सोच देश के हर नागरिक को उसका हक देना चाहती है। डॉक्टर रितु सिंह के साथ जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो इंसाफ की मांग कर रहे हैं, उन लोगों के पास मीडिया तंत्र नहीं है, उन लोगों के पास भारी भरकम कैमरे नहीं हैं, उन लोगों के पास ओवी वैंस नहीं हैं, उन लोगों के पास वो गोदी मीडिया नहीं है जो उनकी कवरेज रात दिन 24 घंटे दिखाए। जबकि नरेंद्र मोदी को कौन सा फ्रूट खाना पसंद है, कौन सा फ्रूट खाना नहीं पसंद है, ये दिखाने के लिए पूरा दिन दिखाया जा सकता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जेब में बटुआ रखते हैं या नहीं रखते, ये दिखाने के लिए इस मीडिया के पास समय है। डॉक्टर रितु सिंह के साथ जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर रितु सिंह को इंसाफ दो, उन लोगों के पास मीडिया तंत्र नहीं है, उन लोगों के पास भारी भरकम कैमरे नहीं हैं, उन लोगों के पास ऐसे पत्रकारों की फौज नहीं है जो उनकी बात को लिख सके, जो उनकी बात को मोदी सरकार तक पहुँचा सके। लेकिन हाँ, उन लोगों के हाथ में एक मोबाइल ज़रूर है जो उन लोगों की आवाज़ को पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा है। उस मोबाइल के अंदर जिस तरीके से वो वीडियो कैप्चर कर पाते हैं वो करते हैं, वो वीडियो हम तक पहुंचता है, वो वीडियो आप तक पहुंचता है, वो वीडियो पूरे देश तक पहुंचता है। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी के पास, देश के प्रधानमंत्री के पास मीडिया तंत्र के अलावा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म देखने के लिए टीमें नहीं हैं। बहुत सारी टीमें हैं, वो इन खबरों को देखते हैं, वो इन वीडियोज़ को देखते हैं, लेकिन डॉक्टर रितु सिंह उस समाज से नहीं आती जिस समाज की वो इन दिनों मदद करने में लगे हुए हैं, जिस समाज की वो हर तरीके से मदद करने में जुटे हुए हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि डॉक्टर रितु सिंह पर जिस तरीके से वहाँ पर पुलिस प्रशासन ने हमला किया, चंद्रशेखर रावण पर जिस तरीके से हमला किया, उन लोगों पर लाठियाँ बरसाई गई, उन लोगों को रिटेन कर लिया गया, ये तस्वीरें किसी बड़े चैनल पर आपने देखी होगी। फिलहाल मैं उन चैनलों को बड़ा चैनल नहीं कहता, मैं तो उन्हें चैनल भी नहीं कहता, क्योंकि उन लोगों को बहुजनों की, देश के नागरिकों की, मूल निवासियों की आवाज़ नहीं सुनाई देती। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि पिछले 150 दिन से डॉक्टर रितु सिंह और उनके साथी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, एक भी दिन किसी गोदी मीडिया की ये हिम्मत नहीं हुई कि वो इस खबर को अपने चैनल पर दिखाए और उस तरीके से दिखाए जिस तरीके से वाकई में ये खबर है। किसी भी एक चैनल ने यह नहीं किया कि डॉक्टर रितु सिंह की जो आवाज़ है वो नरेंद्र मोदी के कानों तक पहुंचाए, वो नरेंद्र मोदी को सुनाए कि डॉक्टर रितु सिंह पिछले 150 दिन से खुलेआम सड़क पर बैठी हुई हैं अपने साथियों के साथ, वो इंसाफ की मांग कर रही हैं, उन्हें इंसाफ देने की बजाय नरेंद्र मोदी साहब आपकी पुलिस उनके ऊपर लाठियाँ बरसा रही है, एक महिला को मेल पुलिसकर्मी मारते हैं, पीटते हैं, घसीटते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को नहीं दिख रहा, नरेंद्र मोदी को भी नहीं दिख रहा और वहाँ के मौजूदा चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को भी नहीं दिख रहा। क्यों दिखेगा, ये सब एक ही तो हैं। किसी और समाज की बच्ची होती, डॉक्टर रितु सिंह की जगह अगर स्वर्ण जाति की कोई महिला होती तो इस वक्त तक वहाँ पर पूरा का पूरा भाजपा का हमला,
आरएसएस की टीमें पहुंच जाती मदद करने के लिए, लेकिन ये बहुजन समाज की बच्ची है और अंबेडकरवादी विचारधारा की बात करती है। यही एक कारण है कि उसके समर्थन में कोई भी नहीं दिख रहा, उसकी बात करने वाला कोई भी नहीं दिख रहा। हालांकि नरेंद्र मोदी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के पांव जरूर छू सकते हैं, लेकिन उनके समाज के लोगों के साथ खड़ा नहीं हो सकते। खुद को वो ओबीसी जरूर कहते हैं, लेकिन यहां से आप अंदाजा लगाइए कि जब एससी एसटी ओबीसी समाज के बच्चों पर लाठियां बरसती हैं, तब नरेंद्र मोदी को यह क्यों नहीं दिखाई देता कि इन लोगों को इंसाफ दिलाना है, उनको न्याय दिलाना है। क्यों डॉक्टर सुविता राय से भाजपा डरती है? क्योंकि डॉक्टर सुविता राय स्वर्ण जाति से हैं, इसलिए। और क्यों इंसाफ नहीं देना चाहते डॉक्टर रितु को? वो बहुजन समाज से हैं, इसलिए। ये साफ दिख रहा है, 150 दिन कम नहीं होते कि एक महिला जब रोड पर प्रदर्शन कर रही हो, उसको बार बार पुलिस प्रशासन द्वारा पीटा जाए, डिटेन किया जाए, घसीटा जाए, मारा जाए, वो सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें लगातार वायरल होती रहें, किसी को नहीं दिखती? क्या भाजपा के किसी नेता को नहीं दिखी? क्या अरविंद केजरीवाल की आईटी सेल को, या अरविंद केजरीवाल की किसी भी विधायक को, या खुद अरविंद केजरीवाल को जो दिल्ली में रहते हैं, उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं दिखा जो लोकपाल बिल की बात कर रहे थे? कहाँ हैं आज सब? क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि ये बहुजन की बेटी है, ये बहुजनों की बेटी है, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा। किसी स्वर्ण जाति की बेटी होती, किसी स्वर्ण समाज की बच्ची होती, तो अभी तक रोड पर बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे होते, अभी तक सरकारों को हाथों पैरों की पड़ गई होती। बहुजन समाज को खुद अपने समाज की बात करनी होगी, बहुजन समाज को खुद अपने लोगों के लिए लड़ना होगा। डॉक्टर रितु सिंह ने 19 दिसंबर की कॉल दी थी, बहुजन समाज का जन सैलाब देखते ही नरेंद्र मोदी की सांसें हांफने लगी, भाजपा के हाथ पैर फूलने लगे। आनन फानन में पुलिस को ये संदेश दिया गया कि जाइए उन लोगों को किसी तरीके से पीटिए, उठाइए और जेल में डाल दीजिए। लेकिन ऐसा संभव कहाँ था? बहुजन समाज वो सोया हुआ हाथी है, जब जागता है तो बड़ी से बड़ी सरकारों की नींद हराम हो जाती है। अभी तो बहुजन समाज जागा भी नहीं था, अभी तो थोड़ा सा जन सैलाब था। दिल्ली के बाहर से आते हुए लोगों को रोकने का प्रयास किया गया, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुजन समाज के लोग डॉक्टर रितु सिंह की सपोर्ट में पहुंच रहे थे कि नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल को खटमलों ने काटना शुरू कर दिया। उनकी नींद हराम हो गई कि कहीं बहुजनों का धरना प्रदर्शन उन लोगों की सरकारों को गिरा ना दे, उन लोगों की सरकारों की पोल ना खोल दे, जिसके चलते डॉक्टर रितु सिंह को और चंद्रशेखर आज़ाद को दिल्ली पुलिस ने पीटा, उनको घसीटा और डिटेन कर लिया गया। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये तस्वीर भारत की है, भारत को भारत माता कहने वाले अब एक महिला को रोड पर मेल पुलिस कर्मियों द्वारा पीटे जा रहे वीडियोस नहीं देख पा रहे क्या? जिसको भी आरएसएस और भाजपा ने माँ कहा है, चाहे वो गाय हो चाहे वो भारत हो, उसकी उन लोगों ने जम के फजीयत कराई है, उसकी बुरे हाल कर दिए हैं। क्या यही सच है? अगर नहीं तो क्यों भाजपा, क्यों आरएसएस, क्यों अरविंद केजरीवाल और बाकी देश की राजनीतिक पार्टियों को डॉक्टर रितु सिंह की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही? ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल को समझिए और अंदाज़ा लगाइए कि मीडिया, देश की सरकार और अन्य राजनीतिक पार्टियां डॉक्टर रितु सिंह की सपोर्ट में क्यों नहीं आ रही? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि डॉक्टर रितु सिंह बहुजन समाज से हैं। अगर वो स्वर्ण जाति से होती तो इस वक्त तक तस्वीर कुछ और होती। डॉक्टर रितु सिंह की सपोर्ट के लिए इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, डॉक्टर रितु सिंह का हौसला अफजाई करें, क्योंकि डॉक्टर रितु सिंह ने कहा, आप लोग मेरी सपोर्ट के लिए दिल्ली तो ज़रूर आए थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ये इंतज़ार कर रही थी, आरएसएस और भाजपा ये इंतज़ार कर रही थी कब ये लोग जाएं और कब हम डॉक्टर रितु सिंह पर हमला बोल दें। और ऐसा ही हुआ, डॉक्टर रितु सिंह पर दिल्ली पुलिस ने हमला बोल दिया, चंद्रशेखर पर दिल्ली पुलिस ने हमला बोल दिया, उन लोगों को पीटा गया, घसीटा गया, डिटेन कर लिया गया, सिर्फ इसलिए
क्योंकि बहुजन समाज को देख करके वो डर चुके थे, और जैसे ही बहुजन समाज ने वहाँ से वापसी की तो उन लोगों ने हमला बोल दिया। डॉक्टर रितु सिंह ने ये पहले भी कहा था कि उनकी हत्या करने का प्रयास हो रहा है, उनके ऊपर कई बार अटैक करने का प्रयास किया गया है, उनके ऊपर नजर रखी जा रही है। क्या डॉक्टर रितु सिंह को बहुजन समाज डॉक्टर रोहित बेमूला की तरह खोना चाहता है? क्या इस बहुजन समाज की बच्ची की आवाज बहुजन समाज को नहीं सुनाई दे रही? अगर सुनाई दे रही है तो बहुजन समाज को डॉक्टर रितु सिंह के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अगर देश में महिलाओं की आवाज को बचाना है, उन्हें इंसाफ दिलाना है, तो डॉक्टर रितु सिंह के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अब नहीं बर्दाश्त किया जाएगा कि बहुजन समाज के और बच्चे रोहित बेमूला की तरह अपनी जान गंवाएं, डॉक्टर रितु सिंह अपनी जान गंवाएं, ऐसा नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। ये बहुजन समाज अब समझने लगा है, और बहुजन समाज अब डॉक्टर रितु सिंह को इंसाफ दिलवाने की जंग में आगे बढ़ने वाला है, जो हालात दिख रहे हैं। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें अब तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही। धन्यवाद।